वेलकम टू पोंग लोग चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोर डैम बांध के खूबसूरत दृश्य। कोर डैम बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बांध बिलासपुर के सबसे प्रमुख आकर्षण में से एक है और एक बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार भी है। ये बांध प्राकृतिक परिदृश्य से घिरा हुआ है और पिकनर्स द्वारा पसंद किया जाता है। कोल डैम बांध का निर्माण नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। इस बांध की आधारशिला जून 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी। हालांकि इस क्षेत्र में निवास और पर्यावरण मुद्दों के कारण बांध के निर्माण में 15 साल लगे थे। कोल डैम अपने आप में एक महान चमत्कार और आपको इसे देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। कोल बांध बिलासपुर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कोल डैम बांध के निर्माण की घोषणा 2000 में की गई थी और इसकी आधारशिला श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कोल डैम के निर्माण के लिए लगभग 68 गांवों वाली भूमि का अधिग्रहण करना जरूरी था। भारत में इस डैम को बनने के लिए थाईलैंड और इटली से इंजीनियरिंग लाए गए थे। इस परियोजना के लिए सरकार ने 4527 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया था। टीम को बीजा समस्याओं, भूमिगत सीपेज और गांव के कारण भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर लागत ओवररन का सामना करना पड़ा था। इस डैम में तत्ता पानी में गर्म पानी के झरनों को भी डुबो दिया, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल था। कोल डैम बांध की 167 मीटर की नींव को मिलाकर इसकी ऊंचाई 320 मीटर है और इस बांध की कुल लंबाई 474 मीटर है। कोल डैम 14 मीटर चौड़ा, बांध की कुल आयतन 12 करोड़ मीटर स्क्वायर है। इसमें 6 रेडियल गेट हैं। ये बांध 642 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी कुल क्षमता 56 करोड़ मीटर स्क्वायर है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 200 मेगावाट की क्षमता वाले प्रत्येक में 4 टरबाइन हैं, जिससे 800 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। कोल डैम बांध की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मई के बीच यानी सर्दियों और गर्मियों का मौसम होता है। सर्दियों के दौरान बांध के आसपास का इलाका बर्फ से ढक जाता है, जबकि गर्मियों का पूरा दिन सुकून भरा होता है और बोटिंग के लिए बांध में पानी भी भरपूर होता है।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब पोंग लॉ चैनल। थैंक्स।